गिरिडीह शहर के बस स्टैंड रोड स्थित सीआरपीएफ कैंप में कार्यक्रम आयोजित कर जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 20 युवक युवतियों को भ्रमण पर मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर भेजा गया। कार्यक्रम में सीआरपीएफ सातवीं वाहिनी के अधिकारी कैंपिंग गिल, कमांडेंट राजेश्वर सिंह यादव, द्वितीय कमान अधिकारी सिद्धार्थ उर्फ कमांडेंट आलोक रंजन, सूबेदार मेजर पन्नालाल ठाकुर समेत बटालियन के जवान मौजूद थे। कार्यक्रम में उपस्थित युवक युवतियों को पूरी जानकारी दी गई। इस दौरान हरी झंडी दिखाकर यहां से सभी को भोपाल के लिए रवाना किया गया। बताया गया कि हर साल की भांति इस साल भी गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14वीं जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 2006 से लेकर अब तक नेहरू युवा केंद्र संगठन और सातवीं वाहिनी ने मिलकर अब तक कुल 13 जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विकास गतिविधियों, कौशल विकास, शैक्षिक और रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के विभिन्न राज्यों में हो रही तकनीकी और औद्योगिक उन्नति को सबके समक्ष उजागर करना है। इनके साथ ट्रेन में बैठ के जाएंगे तथा संपूर्ण जितने इनका भी प्रोग्राम है, इनका इनके साथ ट्रेन में जाना। और ये 14वां बाल युवा केंद्र के, नेहरू बाल युवा केंद्र के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में जो गांव के पिछड़े बच्चे होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, स्कूलों से का संपर्क करते हैं, जो इच्छुक होते हैं भारत भ्रमण के लिए। नेहरू बाल युवा केंद्र के सहयोग से, सीआरपीएफ के सहयोग से इन बच्चों को हम भारत भ्रमण के लिए अभी फिलहाल भोपाल भेज रहे हैं। आने वाले दिनों में बेंगलोर तथा चंडीगढ़ तथा कई भारत के जो अच्छे अच्छे जगह हैं वहाँ हम भेजने का प्रयास हम लोग के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपसी जो सांस्कृतिक है, कल्चर है, भाषा है, रहन सहन है, जो अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों से बच्चे आते हैं उनके आदान प्रदान किया जाता है सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से। और ये लगभग एक हफ्ते का टूर होता है जिसमें सीआरपीएफ के लोग इनको यहाँ से ले जाते हैं ट्रेन के माध्यम से और इनको रहने वहने का नेहरू बाल युवा केंद्र के द्वारा इंतजाम किया जाता है तथा इनको वापस फिर सुरक्षित ला करके इनको अपने अपने घर तक पहुँचा दिया।